deserve. That is what we deserve. To constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ, हो सकता है कि ये इशू बहुत ही डिफरेंट टाइप का मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और फर्स्ट टाइम एकदम डिफरेंट टाइप पे बात करने वाला हूँ। और मेरे को लगता है कि सबको अपना एक ओपिनियन होता है और सबको अपना ओपिनियन रखना चाहिए, और बहुत बार लोग अपना ओपिनियन नहीं रखते, क्योंकि लोग ओपिनियन वहाँ रखते हैं जहाँ उनका फ़ायदा या फ़ायदा जिस बेसिस पे होता है, एडवांटेज जिस बेसिस पे होता है, उस बेसिस पे रखते हैं। बट फिर भी जो अभी आप देख ही रहे हो कि जो CAB और NRC हर जगह आपको दिख रहा है, पूरे इंडिया में इतनी जगह लोग आंदोलन कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे इतनी जगह पे, तो समझना जरूरी। और मेरे को लगा, मेरे को बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, असम से मेरे को कुछ स्टूडेंट लोग मैसेज कर रहे थे, कोलकाता से लोग मैसेज कर रहे थे कि सर इस पे बात पे बोलिए, सर आप अपने पॉइंट्स रखिए, आप क्या सोचते हो। तो मेरे को लगा मेरे को बात रखना चाहिए। फिर मैं कुछ डॉक्यूमेंट पे सर्च किया, 2 डेज तक थोड़ा सा वर्क किया और अपनी फीलिंग चेक किया कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं क्या फील करता हूँ, और मेरे को अपनी बात रखना चाहिए, और मीडिया कैसे अपनी बातों को रख रहा है और कैसी चीज़ें चल रही है चारों साइड, व्हाट्सअप पे, सब चीज़ों पे मैं जब देखा तो मेरे को रखा कि अपना ओपिनियन भी एक मेरे को होना चाहिए। और हो सकता है कि मैं जब अपना ओपिनियन रखूं तो मैं चाहता हूं कि मेरी बात ध्यान से सुने। यहां पे हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, जब मैं बहुत ध्यान से देखा तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है यहाँ पे। है कुछ कुछ एजेंडा है, गवर्नमेंट का अपना एक एजेंडा है, मीडिया का अपना एक एजेंडा है। तो मेरे को लगता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुना जाए, और ये ना सोचा जाए कि एक टीचर को बात नहीं रखना चाहिए, एक टीचर को सिर्फ पढ़ाना चाहिए, मेरे को नहीं लगता है। मेरे को लगता है कि एटलीस्ट अपने ओपिनियन रखना चाहिए। एक ऐसे सिटीजनशिप, एक सिटीजन होते हुए, एक सिटीजनशिप इंडिया की है तो उसके होते हुए एक गुड सिटीजन को अपनी बातों को रखना चाहिए, उसको सोशल मीडिया पर रखना चाहिए, उसको फेसबुक वॉल पर डालना चाहिए। आप क्या सोचते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग आपसे क्या सोचवाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मीडिया आपसे क्या सोचवाती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, ठीक है। तो मेरी बातों से हो सकता है कुछ लोग एग्री ना करें, कुछ लोग एग्री करें, ऐसे अलग अलग लोग हो सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा है कि कोई भी बात आज की डेट में हम रखते हैं तो लोग हर पॉइंट को इस वे में देखते हैं कि ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट को अपोज कर रहा है, जबकि मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट और अपोज वाली बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ओपिनियन है, और मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट अगर 10 अच्छे काम कर रही हो और अगर 1 या 2 गलत काम कर रही है तो मीडिया को उस पॉइंट पे बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसाइज अगर मीडिया नहीं करेगी तो कौन करेगा। और बहुत सारे लोग जो रहते हैं सेलिब्रिटी, उनको भी अपनी बात रखना चाहिए। तो ठीक है, मैं अपनी बात पर आता हूँ। बोला तो अभी आप देख रहे होंगे कि CAB और NRC आप देख रहे होंगे, CAB आप जानते होंगे कि सिटीजनशिप ऑफ अमेंडमेंट जो बिल है, कैब, एक्चुअली CAB तो नहीं रहा, वो CAA हो गया है। तो सिटीजनशिप ऑफ अमेंडमेंट जो एक्ट है वो एक्ट बन चुका है, अब तो बिल नहीं रहा है, तो CAA हो चुका है, वो CAB नहीं रहा। और एक NRC है, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NRC है। तो अगर मैं बोलूँ कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CAB एंड NRC, तो सबको पता होगा, बट फिर भी CAB विल प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप बेस्ड ऑन रिलीजन, CAB विल ग्रांट सिटीजनशिप टू द रिलीजियस माइनॉरिटीज हु इंटर्स इंडिया ऑन और बिफोर December 31st, 2014. NRC विल इंक्लूड दोज हु कैन प्रूव दैट आइदर दे आर दे और देयर एंसेस्टर्स लिव्ड इन इंडिया और ऑन और बिफोर March 24th, 1971. तो जस्ट मैं जब सब चीज़ों को देख रहा था कि क्या क्या चीज़ें हो रही है और किस बेसिस पे हो रही है, और मैं बहुत सारे लोगों का ट्वीट भी देख रहा था, तो जो हमारा CAB है, नागरिकता संशोधन बिल, उसमें बोला गया है कि
इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है। ठीक है, तो हमको ये देखना होगा कि सब लोग इतने अगेंस्ट में क्यों है, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। और असम से जो लोग मेरे को जो मैसेज किए वो लोग मुसलमान नहीं थे, वो लोग नॉर्मल एक स्टूडेंट थे जो असम में रहते हैं। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो चाहते थे कि मैं बात करूं, तो दोनों के बारे में अगर हम बात करें, CAB जिसको CAA बोल सकते हो और NRC के बारे में बात करें, तो हो सकता है कुछ लोगों को आइडिया ना हो, हो सकता है कुछ लोगों को आइडिया हो, कुछ लोग मीडिया की सुनी हुई बातों को ही बिलीव करते हैं क्योंकि मीडिया में जो आता है सब लोग उस वे में बात करते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि एक स्मार्ट सिटीजन जो होगा इंडिया का, उसको थोड़ा सा ज़्यादा गुड आइडिया होना चाहिए। और वी आर इंजीनियर्स, तो हमको अपनी बात रखना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी इंजीनियर्स हैं वो अपनी बात रखें हमेशा कि वो क्या सोचते हैं। इसमें पार्टी से लेना देना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है तो वो BJP है और कोई मुसलमान है तो कांग्रेस ही। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के जो CM साहब है, CM जो सर है भूपेश बघेल जी, वो तो कांग्रेस के, तो वो तो कोई मुसलमान तो है नहीं। तो ये इसको डिवाइड करना इज नॉट गुड। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जो इंडिया का जो कल्चर है, वही तो हमारा एक यूनिक चीज़ है कि इंडिया का जो कल्चर है कि हम सभी लोगों को बहुत बराबरी का उस वे में रखते हैं। हमारे यहाँ अब्दुल कलाम जी जैसे लोग प्रेसिडेंट होते हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन रहे इतने सालों तक। ऐसा बाकी कंट्री में नहीं होता है, जहाँ पे भी मतलब मेजॉरिटी में जहाँ पे भी मुस्लिम होते हैं वहाँ पे ऐसे कंट्री में नहीं होता, लेकिन हमारी कंट्री की यही तो बात है। तो मेरे को लगता है कि एक अगर मैं NRC की बात करूँ, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, वो NRC जो बिल है वो असम का मेरे पास डेटा था कि असम में NRC हुआ, सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ पे हुआ NRC, और लगभग 3,30,27,661 इतने लोगों पे जब अप्लाई हुआ, तो उसमें से 19 लाख लोग जो थे वो इसमें इंक्लूड नहीं हो पाए। 3.11 जो करोड़ थे वही इंक्लूडेड है, 31 अगस्त का डेटा है गवर्नमेंट जो रिलीज की। तो मेरे को लगता है कि 19 लाख लोग अगर इसमें NRC के अंदर नहीं आए, क्योंकि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इंडिया के सिटीजन हो, ये प्रूफ करना पड़ेगा सभी लोगों को, तो ठीक है उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो 19 लाख लोग है, अब इस NRC के ऊपर जो मनी जो लगाई गवर्नमेंट, जितना मनी इन्वेस्ट की इस पूरे NRC को करने के लिए, जबकि ये सिर्फ असम की बात है, तो इसको ना फेलियर माना गया, इसको सक्सेसफुल नहीं माना गया। तो इतना जितना मनी लगा, अगर ये पूरे इंडिया के लोगों पे लगा गया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो मनी जितना लगेगा उस NRC के लिए, जितना मनी लगेगा उसमें, तो इंडिया ना इतना ग्रोथ कर लेगा। इंडिया में एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे हमारा जो एजुकेशन डे बाय डे डाउन होते जा रहा है, जॉब की पॉसिबिलिटी नहीं है, उन सब जगहों पे अगर जाएगा तो मेरे को लगता है कि वो बहुत ही बिग होगा। बट फिर भी बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर गवर्नमेंट बात करती है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको क्लियर रहे कि कोई इसमें अपोज करने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि NRC होने से जो भी देश में ऐसे लोग होंगे जो रियल में सिटीजन नहीं होंगे, ठीक है, गुड पॉइंट है। पूरे दुनिया में हर जगह NRC वाला पॉइंट्स रहता है, हमारे इंडिया में बड़ा आसान नहीं है NRC वाला पॉइंट्स, क्योंकि हमारे इतने सारे गरीबी है, इतने सारे लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि वो इंडियन सिटीजनशिप के अंदर आते हैं कि नहीं आते, प्रूफ नहीं कर पाएंगे, और बड़ा आसान नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। उसमें से बहुत सारे गरीब लोग होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो सिख ईसाई, कोई भी हो, जो गरीब लोग हैं वो लोग अपने NRC को अपना सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। इतना आसान नहीं है कि किसी के पास डॉक्यूमेंट हो, तो उस केस में फिर क्या होगा? इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को अपना पॉइंट्स रखना चाहिए कि उस केस में क्या होगा। इतने सारे लोग जो अपना प्रूफ नहीं कर पाएंगे, सपोज करो कि 10 करोड़ लोग, सपोज करो 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हो जाएंगे, 19 लाख लोग तो सिर्फ असम में है जो NRC के अंदर नहीं आ पाए, तो 10 करोड़ लोग से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो NRC के अंदर नहीं आए। तो उसके लिए क्या सोच रही है गवर्नमेंट, क्या सोच रही है उन 10 करोड़ लोग से ज़्यादा अगर हो गए तो उस केसेस में क्या होगा? ठीक है, इस पे गवर्नमेंट को अपनी बात रखना चाहिए। सेकंड चीज़ है कि असम में जो लोग मेरे को भेज रहे थे वो ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम लोग थे, वो लोग एक नॉर्मल एक स्टूडेंट से डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तो लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर अपना पॉइंट्स रखिए, तो मेरा जो पॉइंट है वो क्लियर है कि गवर्नमेंट अगर बोल रही है कि हम जो मैं रीड कर रहा था आपके लिए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कि नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो माइनॉरिटी माने जाएंगे, उन लोगों को हम
सपोर्ट करेंगे, इज ओके, इज गुड है, ह्यूमैनिटी के लिए गुड है. लेकिन मेरे को लगता है कि क्या हमारे पॉलिटिशियन इतनी ह्यूमैनिटी को, इतनी ह्यूमैनिटी उस पॉइंट को सपोर्ट करते हैं? हमारे देश में खुद इतनी प्रॉब्लम है, तो क्या आपको लगता है कि इतना सपोर्टिव वे में गवर्नमेंट कभी सोचती है? मेरे को तो नहीं लगता, मतलब ये मेरा पॉइंट है, इतना उस वे में नहीं सोचती है. हो सकता है मीडिया इस वे को बहुत अच्छे से प्रोपोगेट कर रही हो, बट जैसा मैं सोचता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि सपोज करो एक घर में चार बच्चे हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ है, सपोज करो सिक्स लोग हैं, और हस्बैंड जो है, मतलब जो फादर है, चार बच्चे और उसकी एक वाइफ है, वो अपने घर के बच्चों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, उनको उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, उनको एजुकेट, उनको एजुकेशन नहीं दे पा रहा है. उसके बाद वो पेरेंट, वो फादर अगर बोले कि मैं रिलेटिव्स के पाँच छः लोगों को और लेके आना चाहता हूँ अपने फैमिली में, तो ये वैलिड पॉइंट नहीं है. ये वैलिड पॉइंट टफ होता जब आप ना घर के पांच लोगों को बहुत अच्छा एजुकेशन दे पा रहे हो, घर के पांच लोगों को बहुत अच्छा फूड दे पा रहे हो, उनकी लाइफ बहुत बेटर है, तो बिल्कुल कोई अपोज क्यों करेगा? कोई अपोज क्यों करेगा? अगर मैं कैपेबल हूँ तो मैं दान दे सकता हूँ, लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर मैं अगर इतना कैपेबल नहीं हूँ, तो क्या आपको लगता है कि हमारे हमारे इंडिया में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है? हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री है, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास एजुकेशन इतना गुड हो रहा है? क्या हेल्थ वाइज चीज़ें इतनी अच्छी हो रही है? क्या मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है? क्या आपको लगता है कि जॉब की पॉसिबिलिटी है? तो जब हम अपने घर को संभाल नहीं पा रहे, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं? मेरे को मतलब मेरा पॉइंट ये है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. हमारा जो इंटेंशन है कि हम किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये इंटेंशन तब इंपॉर्टेंट है कि आप किस सिचुएशन में हो. मेरे को ऐसा लगता है कि ये इंटेंशन इस बात पे बेस्ड होता है कि आप किस सिचुएशन में हो. जब हमारी खुद की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो हम बाहर के लोगों को इंडिया में जाके सिटीजनशिप देंगे, और सिटीजनशिप अगर हम देंगे इंडिया में ला के, तो वो गुड नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर ही प्रेशर बढ़ेगा. हमारा इकोनॉमी डे बाय डे गिरते जा रहा है, कोई मीडिया इस बारे में बात नहीं कर रहा है, जॉब के बारे में बात नहीं कर रहा है, और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पुलिस वगैरह आ रही है, इंटरनेट बंद कर दिया जा रहा है असम वगैरह में. लोगों की बात को अगर रोका जाएगा तो क्या ही होगा? तो मेरे को लगता है कि इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ठीक है, क्या दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ताकतवर रहा है? और मेरे को लगता है कि इसलिए भी सब पॉइंट्स को रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग इस चीज को समझ नहीं रहे. यहां पे बात ना कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है. बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कोई कांग्रेस के सपोर्ट में तो इसलिए नहीं हूं, क्योंकि वो तो देश को बहुत अच्छे गुड फॉर्म में चला ही नहीं पा रहे थे. तो इसका मतलब ये है कि मैं मान लूं कि कांग्रेस नहीं चला सकती है देश को, इसलिए बीजेपी जो भी करेगी उसको कंसिडर करना चाहिए. क्या मैं कोई इस बात को मानना चाहिए कि सर आप बताओ सर कौन सा ऑप्शन होगा? इसलिए इसका मतलब है कि घर में अगर एक कमाने वाला है तो वो गलत कर सकता है, क्योंकि बाकी लोग नहीं कमाते और वो सब लोगों के खर्चे चला रहा है, इसलिए वो गलत कर सकता है. क्या ये पॉइंट कंसिडर है? मेरे को लगता है कि पॉइंट कंसिडर नहीं है, तो गलत बात हो गई. ऐसे में तो जो भी हमेशा पावर में रहेगा वो गलत करेगा. एक घर का जो एक मेन पर्सन रहेगा उसको गलत करने का अधिकार है. एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर को गलत करने का अधिकार है, क्योंकि वो सबसे पावरफुल है. एक स्टेट में एक सीएम को गलत करने का अधिकार है, क्योंकि वो सबसे पावरफुल है. तो फिर एक गवर्नमेंट को भी पूरे कंट्री के साथ गलत करने का अधिकार थोड़ी मिल जाता है. और वैसे भी हम ही लोग सिलेक्ट करके लाए हैं, और अगर मेरे को लगता है कि ये अगर एक्ट बन गया, जो बिल था वो एक्ट बन भी गया, तो जो जितने भी उनके पास जितने भी सांसद लोग थे, जो एमपी लोग थे, तो उन्हीं के लोग हैं. तो गवर्नमेंट जो वो बिल था, वो एक्ट बनना था, तो पास होना था, वो अलग क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन ये है कि क्या इन सब चीजों की नीड है? क्या इन सही में इन सब चीजों की नीड है? अभी हमारे देश में मैं ऐसे टीचर में जब देखता हूं, तो मेरे को दिखता है कि इतना सारा इंप्रूवमेंट करने का काम बचा हुआ है. क्या हिंदू मुस्लिम करने की नीड है? मेरे को तो नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम करने की नीड है. उसमें भी दूसरे कंट्री के लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि दूसरे कंट्री, मतलब मैं कोई पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे कंट्री के डिफरेंट, यूएसए से लेकर हर जगह बात हो रही है कि ये लोग जब बोल रहे हैं कि जिन जिन माइनॉरिटीज़ को हम अलाउ करेंगे, तो फिर जैसे श्रीलंका में जो है, तो हम श्रीलंका को काउंट नहीं किए, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो हम श्रीलंका को काउंट नहीं किए. उनके माइनॉरिटीज़ को भी काउंट कर लेते, और भी डिफरेंट आसपास जितने भी नियरेस्ट कंट्री है उनके भी माइनॉरिटीज़ को काउंट कर लेते. तो मेरे को नहीं लगता है कि गवर्नमेंट इतने गुड इंटेंशन से कर रहा. हो सकता है बीजेपी सपोर्टर को ये बात लगे कि सर आप अपोज कर रहे हैं. मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ. जब गवर्नमेंट जब स्ट्राइक करती है पाकिस्तान, जब एयर स्ट्राइक होता है, तो हम सब सपोर्ट करते हैं.
हम सब जय हिंद करते हैं, हम सब सपोर्ट करते हैं, जब भी कुछ अच्छा काम होता है तो हम सपोर्टिव वे में आते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कुछ गवर्नमेंट अच्छा काम करती है हमको सपोर्ट करना चाहिए। कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि वो अच्छा काम करे तो भी अपोज करे। तो हम बोल रहे हैं कि एक गुड सिटीजन जो होता है वो अच्छे काम को सपोर्ट करता है, और जब उसको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको अपोज करना चाहिए, नहीं तो हमेशा पावरफुल व्यक्ति गलत करने का सोचेगा। और मैं बोलता हूँ कि क्यों क्यों हम ऐसा सोचे कि हमारे कंट्री में मुसलमान लोग सेफ नहीं रहेंगे, क्यों क्यों हम सोचे। कि मेरे को कोलकाता के एक स्टूडेंट कॉल किया कि सर मेरे को डर लग रहा है, सर हमको जेल में डाल देंगे क्या। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्यों किसी को हम डराएंगे, हमारा यही तो ब्यूटी है, हमारी कंट्री का यही तो ब्यूटी है कि हम इतने प्यार से इतने अच्छे से रहते हैं। मतलब मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, मेरे को यहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। हो सकता है कि मैं जिस जगह पे मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है जिन जगह पे प्रॉब्लम होती है वहाँ मैं उनका स्टेटस माइंड ऑफ स्टेटस नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि हमारे इंडिया में एकदम फ्रीडम है, गुड फॉर्म में सब लोग रहते हैं। हमारे पास हमको अपने कंट्री के ग्रोथ के लिए बारे में बात करना चाहिए। मैं हिंदू हूँ कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि इंडिया मतलब एक हिंदू राष्ट्र के समान ही इसको ट्रीट किया जाए। मतलब ये मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो ये बहुत ही गलत बात होगी कि एक 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 अगर स्टूडेंट्स अगर हिंदू है और वो बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो मैं भयंकर हैप्पी होऊंगा, और एक अगर मुसलमान स्टूडेंट अगर बहुत अच्छा रैंक लाया तो मैं सोचूंगा अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा हो सकता है क्या। ऐसे टीचर मैं कभी कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ एक स्टूडेंट को कि रिलीजन बेसिस पे, तो मैं नहीं कर सकता। मतलब तो गवर्नमेंट कैसे एक रिलीजन बेसिस पे ऐसे सेपरेट करना चाहिए, मेरे को नहीं लगता कि नीड है करके। तो हम हमेशा गवर्नमेंट के सपोर्ट में रहते हैं, मैक्सिमम जो वो अच्छा काम करते हैं उनके हम सपोर्ट में रहते हैं। कई बार हम फाइट करते हैं, इवन कई बार जब डिस्कशन होता है तो हम फाइट करते हैं। मैं खुद फाइट करता हूँ जब कोई गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम को गलत बताता है, जैसे कि कभी कोई हम किसी के साथ बैठ गए और जो प्योर कांग्रेसी है, तो पॉलिटिशियन वाले ऐसा होते हैं कि बीजेपी की हर चीज़ को एक कांग्रेस वाले लोग अपोज करेंगे, कांग्रेस के हर एक चीज़ को बीजेपी वाले अपोज करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कोई फ्रेंड है और वो पॉलिटिक्स में है और वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है तो बीजेपी के हर एक पार्ट को अपोज करता है, वहाँ पर हम अपनी बात रखते हैं कि ऐसा थोड़ी है। तो मेरे को पता है कि हम किस वे में सपोर्ट करते हैं, किस वे में हम तभी तो गवर्नमेंट क्यों बने, क्योंकि हम जानते थे कि उनको एक बार और मौका देना चाहिए। जो जो वो लोग चीज़ कर रहे थे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें और अच्छी हो, इसलिए तो सब लोग सपोर्ट किए ना, तभी तो गवर्नमेंट बनी। अगर हम अपोज करते तो गवर्नमेंट कैसे बनती, इसलिए तो गवर्नमेंट बनी ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये सोच ले कि जो भी गवर्नमेंट करेगी वो सही होगी। मीडिया का जो काम होता है वो हमेशा अपोजिशन का काम होना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। बराक ओबामा का एक बार मैं जो कुछ सुन रहा था तो वो अपने स्पीच में बोल रहा था कि जो मीडिया है, मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंट्री का, वो हमेशा अपोजिशन का काम करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी अपोजिशन बहुत वीक हो, दुनिया की बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कभी कभी अपोजिशन एकदम वीक हो जाता है। पावर में जो लोग होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा दुनिया में बहुत बार होता है। तो मीडिया को अपोजिशन का काम करना चाहिए, मीडिया को गलती सर्च करते रहना चाहिए, मीडिया को बार बार ये एहसास दिलाते रहना चाहिए कि इंडिया में ग्रोथ नहीं हो रहा है, इंडिया में जॉब वाइज चीज़ें नहीं हो रही है, इंडिया में एजुकेशन जो सेक्टर है डे बाय डे गिरते जा रहा है, लोग इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते, लोग सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ जॉब ना मिलने के कारण, अच्छी जगह पे लोगों को अच्छा एजुकेशन पाने के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी। तो ये पॉइंट उठाना चाहिए एक मीडिया को बताना चाहिए कि जितने भी आप 5 साल में जो जो वादे किए थे, जो जो आप बोले थे, उसमें से क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें नहीं हुई। ना कि हम ये बात करें कि कांग्रेस पहले क्या किया था, ये हम बात करें कि कांग्रेस तो इतना अच्छा नहीं कर पाया, कांग्रेस पहले ये बिल लाया था तो फिर वो बिल क्यों लाया। मतलब वी आर नॉट पॉलिटिशियन, तो मेरे को लगता है कि हम एक स्मार्ट एक सिटीजन जो है उनको गुड फॉर्म में सब चीज़ पता होना चाहिए। जब गवर्नमेंट को खुद क्लियर नहीं कि NRC और जो CAA जो है उन दोनों के कॉम्बिनेशन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और आप इसको CAB को CAA में कन्वर्ट भी कर दिए, एक्ट बना दिए आप, तो पुलिस के हेल्प से अगर हम इंटरनेट और थोड़ा सा लोगों पे प्रेशर डालेंगे तो मेरे को लगता है गुड नहीं है। मैं चेतन भगत सर का वो ट्वीट भी पढ़ रहा था और मैं देखा कि इतने सालों में वो गवर्नमेंट के हमेशा सपोर्ट में रहे, हमेशा गवर्नमेंट के लिए ट्वीट करके बहुत अच्छा अच्छा लिखे, और जब वो अच्छा अच्छा लिखते थे तो कई लोग उन पर ट्वीट पर बहुत बार लिखते थे कि आप गवर्नमेंट के सपोर्ट कर रहे हो। तो अब मेरे को ये बताओ कि कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट की स्कीम को सपोर्ट कर रहा है जो बहुत सारी उसको अच्छी लगती है,
अब एक दिन उसको लगा कि गवर्नमेंट की कोई बात गलत है और उसको अपोज किया और उसको बोल दिया जाए कि देशद्रोही है। तो ऐसे में तो लोग, ऐसे में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी वाला पार्ट कहाँ बचा? तो हमारी कंट्री एक डेमोक्रेसी कंट्री है। अब आप सोचिए कि मैं 2 दिन से इस पर वर्कआउट कर रहा था, इस पर मैं देख रहा था पूरा का पूरा कि NRC और CAB जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। और मेरे को बहुत सारे लोग बोले कि इस पे मत बोलिए सर, आप अगर बोलोगे और गवर्नमेंट को अपोज करता हुआ कोई भी चीज़ आप बोलोगे तो ये हो सकता है कि लोग आपको अपोज करना चालू करें, आपके गेट अकेडमी के सामने लोग जमा हो जाए और लोग बोले कि आप गवर्नमेंट को कैसे अपोज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन गवर्नमेंट को अपोज करने का थोड़ी है, ये तो हमारा जो हक है, जो हमारा अधिकार है, उस बात को रखने का है। और ये क्यों ना रखें हम, मेरा क्वेश्चन है कि क्यों ना रखें? अगर मेरे को चीजें क्लियर है, मतलब अगर अगर सब लोग अगर अपने फायदे की बात करेंगे, अगर सब लोग ये सोचेंगे, एक एक फिल्म स्टार व्यक्ति इस बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। मैं इतना सारा सर्च किया तो मैं देखा कि कोई भी बिग बिग फिल्म स्टार जिनकी बात लोग फॉलो करते हैं, वो लोग मीडिया के सामने आ ही नहीं रहे, वो लोग अपनी बात ही नहीं रख रहे, हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, बात ही नहीं रख रहे। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, लोग मतलब ऐसे क्यों डरेंगे क्यों? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें डरने की बात क्या है? अपने को मतलब फियरलेस होके बात अपने को रखना है। जो बात आपको लगती है कि जो बात गलत है वो गलत है यार, जो बात सही है वो सही है। गवर्नमेंट अगर सही कर रही है उसकी स्कीम का सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो उसका अपोज करेंगे। और मैं इस पॉइंट पे एग्री नहीं करता हूँ जो CAB और NRC जो लेके आई, इसमें मैं नहीं मानता हूँ कि गवर्नमेंट का इंटेंशन गुड है। मेरे को नहीं लगता है, मेरे को जो मेरा पॉइंट से कि मेरे को लगता है कि इसमें इंटेंशन इस बात पे भी है कि हम अगर NRC वाले पार्ट में अगर जाएंगे और जो CA के थ्रू जो बाहर से जो लोग नॉन मुस्लिम लोग आएंगे तो उसमें नंबर्स बढ़ेंगे, हिंदू के नंबर्स बढ़ेंगे और तो डोमिनेटिंग वे में हिंदू होंगे, इट्स ओके, मैं खुद हिंदू हूँ तो यस इज वेरी गुड। किसी के लिए अच्छा करना कभी भी कुछ गलत नहीं होता है। और उसके बाद हम NRC भी लागू कर देंगे तो लोगों को सिटीजनशिप प्रूफ करना पड़ेगा, तो एक जो बहुत गरीब मुसलमान होगा तो हो सकता है उसको बहुत डर लग रहा हो। तो मेरे को लगता है कि किसी को डरना क्यों चाहिए? हम लोगों को कम्फर्ट देंगे, हम अपने देश में लोगों को कम्फर्ट नहीं देंगे तो ये हमारे ग्रोथ नहीं होगा। यकीन मानिए, मैं ऐसे प्रोफेशनल पर्सन हूँ, मेरी लाइफ तो चल रही है, मैं तो अच्छे से अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ नहीं कि कोई मैं पॉलिटिक्स बैकग्राउंड का, अच्छी बात है कि मैं पॉलिटिक्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, नहीं तो मेरी बातों को गलत तरीके से कोई रिप्रेजेंट करता। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये ऐसा चलते रहा और अगर हमारे सोसाइटी में कुछ कुछ अगर रिलीजन वाले लोगों को हम उस वे में लेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि हम ग्रो करेंगे या हमारी कंट्री डेवलप कंट्री के पार्ट में आएगी। नहीं होगा इस, कभी भी ये सब चीज़ें से ना हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी, ग्रोथ तो उस वे में नहीं हो पाएगा। हम हमेशा लोगों को लेके चले, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम वो कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, एक गाँव से लेके सिटी से लेके हर जगह प्रॉब्लम है। और अगर कोई बोलता है मीडिया की या लोग बोलते हैं कि उनका इंटेंशन बहुत गुड है तो ठीक है, उनका इंटेंशन मैं इसलिए कभी भी नहीं मानता हूँ क्योंकि मतलब जब भी कोई पावर में होता है, जब कांग्रेस पावर में थी तो इंदिरा गांधी के ज़माने में इंदिरा गांधी बहुत ही अच्छा काम करती थी। मेरे को अभी मैं अपने मम्मी लोगों से पूछता हूँ, पापा लोगों से पूछता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि इंदिरा गांधी, जिस समय इंदिरा गांधी को मारा गया था उस समय मम्मी पापा बोलते हैं कि मम्मी तो मतलब रोई थी, मतलब पूरे दिन भर रोई थी, इतना प्यार करते थे वो लोग इंदिरा गांधी को। तो उस समय भी इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल थी पूरे इंडिया की, तो वो जो पावरफुल हुई, तो जो आप इमरजेंसी का केस जानते हो वो गलत डिसीजन था, इमरजेंसी वाला पार्ट। व्यक्ति पावरफुल जो होता है तो गलती करता है। तो आप यकीन मानिए कि मम्मी वाला लोग, पापा वाला लोग सालों से रहा है, इंदिरा गांधी के समय से लेके राजीव गांधी तक रहा है कि कांग्रेस को बहुत सपोर्ट की है। मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ। अभी अभी अगर मैं बात करूँ तो वो एकदम मोदी जी के भक्त है, पापा मोदी जी के भक्त है, मम्मी सपोर्ट करती है BJP को गुड फॉर्म में। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्या मैं इस बात पे बायस्ड हो जाऊँ कि पापा सपोर्ट करते, पापा मोदी जी के भक्त है, या मम्मी इतना BJP मोदी जी को इतना उस वे में लोग लाइक करते कि वो देश के लिए अच्छा कर रहे, तो क्या मैं इस बात पे बायस्ड हो जाऊँ? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि मेरे को गवर्नमेंट का इंटेंशन सही नहीं लगता है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं बताया इसलिए बताया कि मेरे घर का प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, तो कि
सपोर्ट में, बीजेपी के सपोर्ट में रहता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जहाँ से देखता हूँ वहाँ से मेरे को चीज़ें क्लियर है। मैं ऐसे टीचर एक स्मार्ट सिटीजन हूँ, मैं ऐसा फील करता हूँ। तो मेरे को लगता है कि अपनी बात रखना कुछ भी गलत नहीं है और सबको अपनी बात रखना चाहिए। मैं अपील करता हूँ सब इंजीनियर्स लोगों से कि जब जब गलत लगता है सोचो, अगर मेरे को ऐसा ही नहीं लगता तो एमटेक फीस हाइक भी अपन लोग कुछ नहीं करते। अब मेरे को ये बताओ, क्या जब एमटेक फीस हाइक वाला जब हुआ था तो क्या कोई रिलीजन बेस था कि वो एमटेक फीस हाइक सबके लिए हुआ था? तो फिर मैं देखा कि सब लोग अपोज कर रहे थे एमटेक फीस हाइक नहीं होना चाहिए। उस समय तो फिर हिंदू मुस्लिम नहीं आया क्या? इसका मतलब ये है कि जब आपके साथ गलत होगा तब आप ये नहीं देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, नहीं देखेंगे जब आपके साथ गलत होगा। जब आपके साथ गलत नहीं होगा तो व्हाट्सएप में जो आएगा उसको आप फॉलो करोगे कि व्हाट्सएप में आया है कि प्रोटेस्ट में इतने सारे जो मुसलमान स्टूडेंट थे वो पुलिस पे पथराव कर रहे थे, पुलिस को हमारी जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो क्या व्हाट्सएप की बातों को आप इतना फॉलो करते हो? मैं बहुत ही अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक गुड सिटीजन वाला पार्ट रोल प्ले करता हूँ। तो मैं एमटेक फीस हाइक में भी सबके लिए कॉमन था, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं था। इस वाली बात को भी ऐसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ना इज नॉट गुड। क्यों अपन जोड़े? मतलब ठीक है, हमारे फ्रेंड बहुत सारे होंगे जो मेरे फ्रेंड मैक्सिमम हिंदू है, बहुत कम परसेंटेज में होंगे जो मुसलमान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस बात पे बेस्ड हो जाए कि हम क्या चाहते। अरे जो चीज़ें सही है उस बात पे रखना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि जितने भी इंजीनियर्स है उनको अपनी बात रखना चाहिए, ना कि मीडिया की बात रखना चाहिए, ना कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर बात रखना चाहिए। तो इसलिए मैं एकदम क्लियर कट किया, मतलब मेरे को नहीं बताना चाहिए था कि पापा मम्मी सपोर्टर है मोदी जी के, मेरे को ये बात नहीं बताना चाहिए था। तो जब बात गलत होती है तो सब लोग अगर अपने वॉल पे अगर अपनी बातों को रखेंगे, मैं कई लोगों से पूछा कि आप अपनी बात क्यों नहीं रखते हो, तो सब लोग बोले कि डर लगता है करके। तो मैं बोला कि डर लगता है मतलब? सब लोगों को लगता है कि अगर आप अपनी बात को रखोगे और वो गवर्नमेंट को अपोज करेगा तो हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे गाली गलौज, आपको एब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया जाए, हो सकता है कि आपको नहीं लगता है कि आप अपने आप को बचा पाओगे, लोग आपको गुड फॉर्म में अपोज करेंगे। तो मैं 2 दिन तक पहले सब कुछ पढ़ा, उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, मतलब कितना हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने दिल को मार के ये चीज़ सोचेंगे कि मेरे को फ़ायदा किस में होगा। जब मेरे को लगा कि एक एमटेक फीस हाइक में मेरे को बोलना चाहिए क्योंकि ये रिलीजन पे बेस नहीं है और इसमें सब लोग सपोर्ट करेंगे, तो मैं अपनी बात को रख दिया। उसके बाद जब ये CA या NRC का जब आ रहा है तो मेरे को लग रहा है कि अगर मैं अपनी बात को रखूंगा तो इसमें अपोजिशन ज़्यादा होगा सपोर्ट कम होगा, इसमें अपोजिशन ज़्यादा होगा सपोर्ट कम होगा, इसलिए मैं डर के मारे इस बात को ना रखूं। तो ये तो गलत बात होगी ना, ऐसे में तो हर एक व्यक्ति सिर्फ यही सोचेगा कि मेरे को क्या सोच के बोलना है। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को इंटेंशन बहुत सही नहीं लग रहा है। मैं अच्छे अच्छे लोगों का जब पढ़ा, जो लोग सपोर्टर लोग थे, मैं कुछ लोगों से बात किया जो खुद गवर्नमेंट के सपोर्टर लोग थे, उनको भी लग रहा है कि ये चीज़ें गुड फॉर्म में नहीं दिख रही है, इंटेंशन बहुत गुड नहीं दिख रहा है इसके पीछे। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को तो दिखता भी नहीं कि कोई अपोजिशन है, कोई ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट का कोई अपोजिशन है, कांग्रेस इतना वीक है तो ऐसा भी नहीं कि कोई अपोजिशन है। वो अपने अच्छे काम करे, हम लोग को जॉब प्रोवाइड करे, सेफ्टी दे, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाए, कॉलेजेस ओपन करे, स्कूल ओपन करे, स्टैंडर्ड बढ़ाए एजुकेशन का, एक IIT का स्टैंडर्ड बढ़ाए, बिजनेस का प्रपोजल गुड हो इंडिया में, लोग और स्टार्टअप ओपन करे, लोग बहुत फ्रीडम के साथ जिए, फ्रीडम के साथ बात रखे, इतना गुड इन्वायरमेंट क्रिएट करे। आप ही हमेशा पॉलिटिक्स में रहोगे, बीजेपी जो गवर्नमेंट है वही 5 साल क्या 10 साल 15 साल 20 साल 25 25 ईयर 30 ईयर रहेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप अगर हमको सपोर्ट करोगे तो क्या ही प्रॉब्लम है मतलब? लेकिन आप कोई तरीका मत यूज करो कि हमको गवर्नमेंट में रहने के लिए कौन कौन सा तरीका यूज होगा, या इसलिए आप मत करो कि अपोजिशन जब पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर हम ही राज करेंगे। तो फिर यार अपोजिशन खत्म हो जाएगा जिस कंट्री में तो सही गलत का डिफरेंस कैसे रहेगा? मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को खराब लग रही हो, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ मैं न्यूट्रल रहता हूँ। मतलब मैं तो घर की बात बताया कि मेरे घर में मैक्सिमम लोग सपोर्ट में रहते हैं बीजेपी के, मैं न्यूट्रल रहता हूँ, मैं ना कांग्रेस का सपोर्ट में हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ जब बना था तो कांग्रेस को ही सबसे पहले कमान मिली थी और उतने अच्छे फॉर्म में छत्तीसगढ़ ग्रो नहीं किया। जब
छत्तीसगढ़ में 5 ईयर्स जब कांग्रेस थी तो अजीत जोगी जी थे यहाँ पे, और मैं बिल्कुल भी उस वे में कभी भी नहीं फील करता था कि वो उतना अच्छा छत्तीसगढ़ ग्रो करने वाला है। तो मैं हमेशा अपोज करता था कांग्रेस को, और किया भी कि मतलब अपोज मतलब ऐसे बात करते करते में। उसके बाद रमन सरकार आई, 15 ईयर्स रहे, शुरू के 5 ईयर्स वो लोग ठीक ठाक काम किए, अगले 5 ईयर्स में और भी अच्छा काम नहीं किया, अगेन वो जीते क्योंकि उनका पोजिशन गुड नहीं था। उसके बाद अगले 5 साल में तो कुछ काम ही नहीं किया और इस बार हार गए। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि मतलब लोग ना अपना टाइम इंटरवल निकालते निकालते जा रहे, फिर हम किसी दूसरे को रिप्लेस करते, कोई दूसरा आता है वो सोचता है कि इस बार मैं पैसा कमाऊंगा, अगली बार और कोई पैसा कमाएगा, ऐसे ही चलते रहेगा ना तो हमारा कंट्री ना एकदम गर्त में चला जाएगा। और हो रहा है ऐसा, हो रहा है ऐसा। रात सुबह सुबह 5 बजे जहां पे एक राज्यपाल किसी को अनएथिकल वे में किसी से साइन करवा के जब सीएम बना सकता है, तो गलत हो रहा है यार, ये सब गलत है। और इन बातों को ना मीडिया को बहुत गुड फॉर्म में रखना चाहिए। पता है हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, हमको ना बहुत बहुत अटेंटिव रहना है यार। हम इस कंट्री में रहने वाले, हम इस कंट्री को छोड़ के नहीं जाने वाले। हम ऐसा नहीं है कि इस कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएंगे। और आप ये मत सोचो कि सिवा पे कि स्टूडेंट हो तो जब तक आपका एग्जाम की बारी है, जब तक आप अच्छा कर लोगे तब तक की बात है। अरे आपको हमेशा रहना है, आप एग्जाम निकालते हो नहीं निकालते हो इसी जगह पे रहना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। याद रखो, अगर हम अपने पॉइंट्स नहीं रखेंगे एक दिन पॉइंट्स नहीं रख पाओगे। अगर आप अपनी बातों को रखना भूल गए तो एक समय के बाद ना आपको जो बोला जाएगा वो करना पड़ेगा। और ऐसा होता है जब चीजें पावरफुल तरीके से होती है, और दुनिया की हर जगह पे जहां पे भी अपोजिशन खत्म होता है, या हर गवर्नमेंट दुनिया में बहुत बार ट्राई करती है कि अपोजिशन को खत्म करे, ऐसा हर गवर्नमेंट ट्राई करती है। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि उस नेशन के जो सिटीजन है वो स्मार्टली अपने आप को रिप्रेजेंट ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि वी आर इंडियन, तो हमको अपनी बातों को गुड फॉर्म में रखना चाहिए, और हमको लगता है कि कहीं गलत हो रहा है तो अपनी बातों को और गुड फॉर्म में रखना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि जितने भी जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है मैं उसको गलत नहीं मानता। हाँ, उनको प्रोटेस्ट थोड़ा सा उस वे में रखना चाहिए कि पुलिस गलत डायरेक्शन यूज ना करे, प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको लोग डिस्ट्रॉय ना करे। जैसे हम लोग एमटेक फीस हाइक में जब अपना जंतर मंतर पे रखे थे, बात तो बहुत गुड और पीसफुल रखे थे, कई बार पीसफुली रखने से लोग नहीं मानते, इसलिए भी हो सकता थोड़ा सा लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि एक स्टूडेंट के साथ कभी भी ज्यादती नहीं होना चाहिए, उनको सपोर्ट में लेना चाहिए। और अगर कोई ऐसा बिल जो एक्ट का फॉर्म लिया, इसको पहले आना चाहिए था, पब्लिक फोरम में रखना चाहिए था, लोगों की बात सुनना चाहिए था। एकदम से एमपी पे बेस्ड बात मत करो। हम लोग अगर हर बात को ऐसे रखेंगे तो कई बार चीज़ें हमारे एंगल से सही नहीं होगी। तो मेरा बस यही था। तो हो सकता है कि कुछ लोग इसको पॉलिटिक्स वाला पार्ट समझे, तो मैं इसलिए आपको क्लियर किया कि पॉलिटिक्स वाला पार्ट है नहीं, कि अच्छा है कि मेरे रिलेशन ऐसे पॉलिटिक्स वाले में नहीं है कि मैं किसका सपोर्ट करता हूँ। तो मेरा एकदम क्लियर कट है, जब जब गवर्नमेंट अच्छा करेगी हम सपोर्टिव वे में, गुड वे में, बिल्कुल वंदे मातरम के साथ हम बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी कंट्री ग्रोथ करे, हम सब लोग चाहते। लेकिन जब जब अपोज करेंगे, जब जब गलत होगा तब अपोज करना चाहिए। तो बस मेरा यही था। और मेरे को ऐसा लगता है कई बार क्या होता है कि एक नॉर्मल सिटीजन सोचता है उसकी फैमिली है तो आपको सोच के बात करना चाहिए। तो फिर मेरे को लगता है कि यार मतलब ऐसा सब लोग सोचेंगे तो फिर चीज़ें ना उस वे में नहीं जाएगी। तो ठीक है, मेरे को मतलब बोला गया कि आप मत बोलो इस बारे में, क्योंकि ये लोग नहीं बोल रहे, लोग डर रहे हैं गवर्नमेंट से, और लोग अपोज नहीं कर रहे, तो आप क्यों अपोज करोगे? अगर आपको गलत भी लगता है तो फिर मेरे को लगता है कि मेरा फिर इंटरनल फीलिंग ही क्या बचेगा अगर मेरे को गलत लगता और मैं अपोज नहीं कर पाता हूँ। फिर तो बस मेरे को एक बिजनेसमैन बनना है, और मेरे को सिर्फ अपने बारे में सोचना है, और मेरे को ग्रो करना है। तो क्या ही हो जाएगा जिस कंट्री में, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे अगर मैं बहुत अमीर व्यक्ति बन भी गया और मैं अपनी बातों को भी नहीं रख सकता हूँ, तो फिर मेरे ग्रोथ का, मेरे एक अमीर व्यक्ति को और सक्सेसफुल बनने का क्या ही मतलब है? तो मेरे को लगता है मजा तभी है जब फ्रीडम बातों को रखने का। और वी आर इंजीनियर, और हमको अगर कुछ बात लगती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को सपोर्ट करो, आपको जो लगता है बिना सोशल मीडिया, बिना इन सब चीज़ों के, जो आपको लगता है उन बातों को आप रखो, रखना चाहिए। बस मेरा यही मैसेज था आप सभी लोगों के लिए, ठीक है? आप इसको अदरवाइज ना लें, और अदरवाइज लेने की नीड ही नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स वाला इशू नहीं था। हिंदू मुस्लिम हम सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं, और हमको ऐसे ग्रो करना है, ऐसे कंट्री सब लोगों को साथ में रह के ग्रो करना है। तो बिल्कुल मैं इस जो ये एक्ट बना है, मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ।
जो एनआरसी का पार्ट है उसको गवर्नमेंट और अच्छे फॉर्म में क्लियर करे कि अगर 50-25 करोड़ लोग अगर एनआरसी में नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कितना पैसा इन्वेस्ट होगा उनके ऊपर, इस चीज़ को क्लियर करे। और सीएबी के थ्रू जो वो करने जा रहे हैं वो क्लियर करे कि हमारे देश में क्या हम इतने डेवलप्ड है कि हमको हम किसी को भी मतलब जो दूसरे देश के है ना, मतलब किसी को हम उनको ला के अपने यहाँ चीज़ें गुड फॉर्म में प्रोवाइड कर सके, क्या हम उस लायक है, हम उतने कैपेबल है, और अगर है तो फिर नो कमेंट्स। ठीक है, तो चलो मैं अपनी बात रखा, मेरे को लगता था हो सकता है कि कल गेट अकेडमी के सामने बहुत सारे लोग आ जाए कि आप कैसे रख दिए इस बात को, आप गवर्नमेंट को कैसे अपोज कर सकते हो, तो मैं तो बिल्कुल फाइट के साथ, फाइट करने के लिए हमेशा मैं रेडी रहता हूँ, रहूँगा, क्योंकि जब तक मेरा जो सेंस है, जो मैं सोचता हूँ कि जो चीज़ें गलत है तो मैं अपनी बातों को रखूँगा। मैं कभी कभी गलत हो भी सकता हूँ, लेकिन मेरे को जहाँ पे लगा इस जगह पे कि इंटेंशन वाइज मेरे को गुड नहीं लगा तो मैं अपनी बातों को रखा। और कोई अगर बीजेपी सपोर्टर है तो उसको अभी से सॉरी बोल दे रहा हूँ, अपने पापा मम्मी को भी मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ क्योंकि वो लोग भी बीजेपी सपोर्टर है, उनको भी सॉरी बोल दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को अपना बात रखना था तो मैं अपनी बात रखा। ठीक है, ओके, थैंक यू।